Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are in good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely be aware about this, है ना. So for this, please follow this our safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स. वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली ऑलवेज विद सोप वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 hour जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड आर सोसाइटी क्लास. सो प्लीज फॉलो दिस रूल. यस क्लास, हेलो एवरीवन. क्लास एज यू नो दैट कि वी आर जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.3, है ना क्लास. सो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम और 7.3 इज दैट इज द टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम. क्या है एक ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए एम, है ना. देखो ए बी और बी सी दो साइड की मीडियन है ए एम. वन ट्राइंगल्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली टू द इक्वल टू द अदर ट्राइंगल्स पी क्यू आर. पी क्यू आर का तो क्लास फर्स्ट विल राइट है गिवन. व्हाट इज द गिवन, दैट इज द ए बी, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, इज नेक्स्ट थिंग दैट इज द ए एम. ए एम, ए एम इक्वल टू, ए एम इक्वल टू आपका दिया है पी एम. पी एम पता है पी क्यू, ये जो मीडियन है साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड द मीडियन पी एन, और जो मीडियन पी एन है अपर ट्राइंगल ए बी सी डी, ये सारे इक्वल है. देखो यहाँ साइड बी सी डी दिया हुआ है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी. तो ए बी किसके इक्वल है क्लास, ए बी दैट इज द पी क्यू के इक्वल है. ए बी किसके है पी क्यू के इक्वल है. एंड बी सी किसके है क्यू आर के है, है ना. बी सी, बी सी दैट इज द क्यू आर के इक्वल है क्लास, है ना. देन व्हाट व्हाट नीड टू प्रूव दैट, कहता है कि प्रूव पी क्यू आर, सॉरी सो दैट दैट इज द टू प्रूफ में है. टू प्रूफ फर्स्ट थिंग ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम कॉन्ग्रेट ट्राइंगल पी क्यू एन, दिस वन नीड टू प्रूव दैट, दिस वन प्रूफ. देखो ए बी एम, ए बी एम ये और पी क्यू एन, पी क्यू एन ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट हमें दिखाना है क्लास. कैसे आप करो सो बताओ. वी विल टेक इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन इन दोनों ट्राइंगल में रहता हूं क्लास, है ना. देन व्हाट आर गिवन, जो गिवन है विल राइट है ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो हमारे पास सॉलिड थिंग है. ए बी, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी ए एम इक्वल टू, ए एम इक्वल टू
pn, am इक्वल टू pn, ये दो चीज गिवन है क्लास, ये दो चीज क्या है गिवन है। अच्छा सपोज am एंड pn आर मीडियम, ये जो होता है मीडियम है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम, मीडियम जो होता है क्लास ऑलवेज डिवाइड साइड्स इनटू इक्वल पार्ट, है ना। सो वी कैन राइट, वी कैन राइट BC, BC इक्वल टू QR इज, ये भी गिवन है ना, बट M, बट क्लास व्हाट A, M एंड PN आर मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों के क्या है क्लास मीडियन। देन व्हाट हैज मीडियन का मतलब होता है आदि, तो वी कैन राइट हियर BC इक्वल टू QR और दोनों साइड उसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाफ होते हैं क्लास, दैट्स हाफ ऑफ दिस एंड हाफ दैट इज द BM, BM इक्वल टू QM, BM इक्वल टू QM, दिस इज आर इक्वल्स हो गया। तो वन टू थिंग इज ऑलरेडी गिवन, वन थिंग वी हैव नॉट इक्वल, देन व्हाट हैपन, ट्रायंगल, ट्रायंगल ABM, ABM congruent triangle PQN, PQN किससे होगा, by S, S और S, ये triple S से हो जाएंगे congruent class। अब कहता है ABC, ABC and PQR, PQR ये दोनों को congruent prove करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है class, देखो ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल है ना, सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी, सीपी से क्लास, बाय सीपी, सीपी दैट विल बी द इक्वल, सीपी सीपी से ये इक्वल हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, जब ये इक्वल हो गए तो सेकेंड थिंग लिख दीजिए क्या क्या है इन ट्रायंगल एबीसी में, इधर थोड़ा सा रफ मैं कर देता हूं उसके बाद में लिख रहा हूं क्लास, है ना, दिस साइड। नाउ वी नीड टू टू प्रूफ, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे क्लास, टू प्रूफ, टू प्रूफ में वी विल राइट है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा इक्वल हो गया, ये कॉन्ग्रेंट करना है, सॉरी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होगा प्लस, क्या क्या होगा है ना, यू वेल नो दैट इज द ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी देखो ये ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है ना, सो आई हैव रिटन ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड आफ्टर दैट एज यू आर राइटिंग ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड वन मोर थिंग इज गिवन, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और हमने एक अभी फाइंड आउट करा है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्लास गिवन है, गिवन है, और ये क्या है प्रूफ हमने करा था, प्रूफ हमने करा था। अब ये प्रूफ बी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, वी हैव प्रूव इट, इसको हमने प्रूफ करा था, आप बताओ तो अब कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेट होंगे क्लास, बाय विच रूल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किससे होंगे, on which rule S A S, so triangle, triangle A B C congruent triangle P Q R
बाय एस ए एस, जो हमारा दो साइड के बीच का एंगल, टू साइड बीच का एंगल, ये भूल जाना। जब वेन वी आर प्रूविंग ना एपी ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, जस्ट फॉरगेट द मीडियम, इसको मीडियम को भूल जाओ, और आफ्टर दैट वी विल गेट दिस। मीडियम को याद रखने कब तक याद रखेंगे क्लास, वेन वी आर वी कैन नॉट प्रूव दैट द बी एंड क्यू, है ना, जब तक हम लोग बी और क्यू एंगल को इक्वल ना प्रूव करते तब तक याद रखेंगे मीडियम को, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट इट, है ना। अब देखो जैसे ही काम खत्म हुआ मैंने इसे हटा दिया, नाउ इट्स अप्रूव्ड। होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे, दैट इज द ए बी एंड सी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यस क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि बी ई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, दो एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स प्रूव दैट द ट्रायंगल्स इज आइसोसेलस। ट्रायंगल क्या करना है, आइसोसेलस प्रूव करना है क्लास। सो व्हाट आर द गिवन, फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन, क्या गिवन है, दैट इज एल्टीट्यूड सी एफ एंड बी ई, सी एफ एंड बी ई आर इक्वल, इक्वल ये गिवन है क्लास। एंड प्रूव दैट, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलस, इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, ये आइसोसेलस ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल। नाउ क्लास व्हाट वी विल डू कि ये आइसोसेलस हमें प्रूव करना है, दैट वर्क, और इसमें कहता है यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल आरएचएस, आरएचएस को हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल सॉल्व। तो क्लास वी विल टेक इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, बी एफ सी एंड बी ई सी, इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी विल डू, देखो क्या क्या गिवन है ना, बी सी बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, है ना, क्या है कॉमन है दोनों में क्लास। देखो ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ये ट्रायंगल पूरी और ये ट्रायंगल, सो क्लास बी सी इक्वल टू बी सी इज कॉमन, एंड एंगल एंगल सी एफ बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है क्लास। ये अब ये 90 डिग्री गिवन है, तो और वन मोर थिंग वी नीडेड, है ना, वन मोर थिंग वी नीड बिकॉज वी वॉन्ट टू कॉन्ग्रेट इट, इसको कॉन्ग्रेट करना आर एच एस लगाना है, तो तीन चीज हमें चाहिए चाहिए क्लास, एक साइड चाहिए, एक राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो क्लास यू वेल नो अबाउट दिस, दिस ट्रायंगल, इस एंगल के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस है, इस एंगल के साथ ये हाइपोटेनस है, तो बी सी इज अ बिहाफ लाइक अ हाइपोटेनस, ये बी सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया क्लास। एंड एंगल दिस एंड दिस इक्वल टू 90 डिग्री, एंड बी सी एफ इक्वल टू बी ई, सी एफ इक्वल टू बी ई, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है, गिवन है, क्या है, गिवन है क्लास। देयरफॉर क्लास वी कैन राइट हियर ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई
BEC, BF, BF and SS को हम लोग लिखेंगे, BF, BF congruent triangle। देखो BF के, BF के किसका है? CE। हम लोग क्या लिख सकते हैं? CE या EC class, यही लिख सकते हैं ऐसे congruency कर करके। And which one? BC, BC is a common, तो BC और BC, तो we can write here B, यानी CEB is a congruent by किससे होंगे class? RHS, right? एक क्या हो गया? BC is a as like a hypotenuse and CFB equal to BEC 90 degree and CF equal to BE plus, that is, है ना? ये जो होता है आपका RHS से congruent हो गया। Now we need to prove it। देखो, therefore we can write here angle B equal to angle C, angle B equal to angle C, दोनों equal हो जाएंगे। किसके कारण? By CPCT, CPCT and plus suppose that by CPCT से this will be equal, angle equal, then according to the isosceles triangle what is saying that if angles are equal then side will also equal, है ना? Therefore we can write AB equal to AC according to isosceles, isosceles rule, है ना? So triangle, triangle ABC is a, is isosceles, isosceles triangle, yeah, isosceles triangle हो गया class। Yes class, now this question, ABC is an isosceles triangle with AB and AB equal to AC, देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, that is the A, B और C, ABC is a, is an isosceles triangle, इसमें given क्या है class, given, given according to the isosceles AB equal to AC, draw AP perpendicular BC, एक जो होता है AP perpendicular BC मैं draw कर लिया, ये 90 degree, that is the P, on BC, you saw that, to prove में क्या है class, to prove that is the angle B equal to angle C, prove कर, तो देखो, ये और ये equal है, class, now in triangle, in triangle ABP and triangle ACP इनमें देखते हैं class what we will do, देखो AP, AP perpendicular BC है, AP perpendicular BC है ना class, therefore AB equal to AC ये given है, that is the given, ये क्या है given है class, and after that ये given है और we have draw AP perpendicular BC, then we can write angle APB equal to angle APC equal to 90 degree, plus you may know इस 90 degree के सामने वाली side hypotenuse है, इस 90 degree के सामने वाली side hypotenuse है plus, so it is the hypotenuse, ये भी hypotenuse 90 degree और ये क्या हो गया perpendicular 90 degree and AP equal to AP, that is the common, and ये क्या हो गया class common हो गया, अब ये common हो गया class then we can write here, क्या लिख सकते हैं कि triangle ABP है ना congruent triangle ACP, ये जो होता है congruent हो जाएगा and by the congruency angle
B equal to angle C by CP CP. CP CP से ये क्या हो जाएंगे क्लास, इक्वल हो जाएंगे. Therefore क्लास CP CP से ये दोनों इक्वल हो गए. Then we can say that कि इट इज द आइसोसेलस. और हमें प्रूफ भी यही करना था, ये तो आइसोसेलस पहले से दिया ही दिया हुआ है ही क्लास. So only we need to prove that that is the angle B equal to angle C. So I have done class. Now your triangle chapter is finished. And 7.3 ये आपका last था. So we have done. Now we will move on the next chapter. Thank you and have a nice day.